ये सूर्य कबूत की छप्पन और सत्तावन दो आयतें हैं पहली आयत में अल्लाह ने अपने बंदों से खिताब किया कि अये मेरे बंदो मेरी जमीन बड़ी कुशादा है अल्लाह की जमीन बड़ी कुशादा है और तुम मेरी ही इबादत करो यानी इबादत की खातिर कोई जमीन अगर तंग है तो दूसरी जमीन में निकल जाओ तीसरे में निकलो जमीन इतनी कुशादा अल्लाह की है कि तुम ये उज्र नहीं कर सकोगे कि मुझे इबादत नहीं करने दी गई या मुझे सजदा नहीं करने दिया गया अल्लाह की जमीन बहुत वसी है बहुत कुशादा है और इस उम्मत के लिए तो खास तौर से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो पांच अजीम खसूसियात और नेमत दी उनमें एक बड़ी नेमत कि मेरे लिए पूरी जमीन मस्जिद बना दी गई यानी जहाँ भी नमाज का वक्त हो आपके सामने मस्जिद नहीं है ऑफिस में दुकान में स्टेशन पे रोड पे जहाज में समुन्द्र में कश्ती में आप नमाज पढ़ लीजिए यानी इबादत के लिए अल्लाह की जमीन बड़ी कुछ है आपको हैरत होगी कि लोग कश्तियों का सफर करते तो कश्ती पे नमाज पढ़ते थे कश्ती पानी में चल रही है आज जब हवाई जहाज का सफर करते हैं तो बाज एयरलाइंस में जहाज के अंदर मस्जिद बनी हुई है सऊदी एयरलाइंस की बाज फ्लाइट ऐसी हैं जिनमें पिछले हिस्से में बाकायदा छोटी सी मस्जिद है मुसल्ला है किबले का रुख है जब रात को आप फ्लाइट का सफर करें आमतौर से जब दम से जद्दा से हम तो लोग रात को दो बजे ढाई बजे की फ्लाइट से आते तो बम्बई या दिल्ली पहुँचते हुए सुबह सात आठ बज जाता वक्त के फर्क के साथ दो ढाई घंटा यूँ ही फर्क है फजर की नमाज के लिए जब देखते कि पीछे मस्जिद बनी हुई है लोग नमाज पढ़ रहे है खास तौर से अरब नौजवान वो तो बड़ा पाबंद होता है तो फ्लाइटों में मस्जिद बनी मलेशियन एयरलाइंस में बाकायदा फ्लाइटों में मस्जिद बनी हमारे मुल्क की फ्लाइट एयर इंडिया वगैरह में मस्जिद तो नहीं है लेकिन अगर कोई मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए कहता है तो जहाज का अमला एयर होस्टेस उसे उसका इंतजाम कर देते हैं आपको फर्स्ट क्लास में कहीं जगह दे, दे देंगे भाई ठीक है यहाँ आप नमाज ही पढ़ है ना दो रकात पढ़ लीजिए फिर अपने सीट पर चले जाइए कहीं बहुत भीड़ भाड़ है सारी फ्लाइट जो है टाइट है बिल्कुल जगह नहीं है तो आखिरी हरबा क्या है अपने सीट पर आप नमाज पढ़ लीजिए ऐसा भी होता है कश्ती में नमाज पढ़ लीजिए ट्रेन में तो नमाज पढ़ने का मसला आप अच्छी तरह जानते हैं हिंदुस्तान में आप पूरे मुल्क में सफर करते हैं नमाज पढ़ते हैं जमीन में कहीं भी रहें, फरमाए इन अर्दी दीवास या मेरे मोमिन बंदो मेरी जमीन बड़ी कुशादा है ईमान वाले के लिए इबादत की खातिर ये जमीन बहुत कुशादा है हाँ दुनिया के ऐशो आराम के लिए ये दुनिया तंग है लेकिन इबादत की खातिर रूह के सुकून की खातिर अल्लाह की जमीन बहुत कुशादा है फरमाए कि तुम मेरी ही इबादत करो मेरी ही बंदगी करो जमीन की कुशादगी के साथ अल्लाह ताला ने यह भी कह दिया कि तुम कुशादा जमीन है पूरी दुनिया घूम सकते हो पूरी दुनिया का सफर कर सकते हो दुनिया की पूरी रानाई तरक्की सारी चीजों को अपनी आँखों से देख सकते हो सब कुछ तुम्हें मिल सकता है लेकिन पूरी जमीन के घूमने फिरने चक्कर लगाने के बाद चाहे जमीन की सतह से लेकर के आसमान की बुलंदी तक जहां तक तुम पहुंच जाओ एक मजदूर से लेकर मुल्क के हुक्मर बन जाओ जीरो से लेकर के हीरो बन जाओ चाहे जिस भी बुलंदी पर पहुंच जाओ इतना याद कर लो इतना जान लो कि मौत का मजा तुम्हें चखना है और जब हम मौत को याद करते हुए जिंदगी गुजारेंगे तो रब की इबादत से कभी गाफिल नहीं होंगे इसलिए देखिए समझाने का अल्लाह का अंदाज या इबादी अल्लाजी ना नाम मेरे ईमान लाने वाले बंदो इन न अर्जी वास मेरी जमीन कुशादा है बहुत कुशादा है मेरी ही बंदगी करो बंदगी के मामले में गफलत ना बरतो शैतान तुम्हे ना बहकाए तो बंदगी में खलूस होना चाहिए इतबा सुन्नत होनी चाहिए और जरा सा भी कहीं बहकावा आए और कुछ वसुदा शख्सबा आए मौत को याद कर लो कोल लो नफ्सिंदा मौत हर नफ्स को मौत का मजा चखना है एक होता है कि मरना मर गया एक होता है चखना चखने का लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल किया क्यों चखना जानते ही क्यों कहा गया एक चीज है एक आदमी ने चखा जैसे आजकल आम का मौसम है एक आदमी चख रहा है आम दशहरी हापुस लंगड़ा उसे बड़ा मीठा अच्छा नजर आया दूसरे आदमी ने उसी आम को चखा उसे वो खट्टा नजर आ रहा है मीठा नहीं नजर आ रहा है एक फल है एक मिठाई है कोई भी चखने वाली चीज है दो आदमी चखते हैं और दोनों को दो तरह का जायका मिलता है आप खाने पे बैठे खाना भी एक ही खाना तीन चार आदमी खाएंगे चारों के चार तबसरे होते हैं चारों को चार तरह का जायका मिलता है मौत एक फल है मौत एक जाम है मौत एक प्याला है जिसको चखना है मोमिन चखेगा उसको अलग लुत्फ मिलेगा काफिर चखेगा उसको अलग जायका मिलेगा तो कहा कुल्लो जायकतुल मौत हर नफ्स को मौत का मजा चखना है मोमिन कैसे चखता है निशाने मर्दे मोमिन बातु गोयम गालिब का शेर है ना कि निशान मर्दे मोमिन बातु गोयम तबसुम बर मिन आदमी की निशानी बताऊँ क्या है कि जब मौत का वक्त आता है तो उसके होठो पे मुस्कुराहट आ जाती है वो मौत के बाद ये जानता है कि इसके बाद जन्नत का मरहला है मेरे नबी से मुलाकात का मरहला है रब से मुलाकात का मरहला है, तो मौत से घबराटा नहीं मानवालाजी लोनों की जब वफात का वक्त आया था तो मुस्कुरा रहे थे बीवी रो रही थी हबीबिर ने तारीख दबश में लिखा इस वाक्य को कि बीवी रो रही अरे आपकी मौत का वक्त है बच्चे यतीम होने जा रहे हैं मैं बेवा होने वाली हूँ और आप मुस्कुरा रहे हैं कहा क्यों नहीं मुस्कुराऊंगा ये मौत मुझे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलाएगी ये मौत मुझे रब की जन्नत में ले जाएगी ये मौत तो मेरे लिए बेहतरीन पैगाम है तो मोमिन अल्लाह की जो मौत है मौत का जो मजा है उस मजे को चखता है तो लुत्फ पाता है उसकी रूह बड़ी आसानी से निकल जाती है जैसे गूंधे हुए आटे से बाल निकल लिया जाता है वही मौत का मजा जब काफिर चखता है तो जैसे ऊन जो है कांटे पे छिड़ दिया जाए और बिल्कुल बेचैन होगा तड़पेगा उसकी रूह बड़ी मुश्किल से निकलेगी मोमिन की रूह को आसमान पर जाएगी तो अहलन सहलन और मरहबा के साथ इस्तकबाल किया जाएगा और खुशबूदार कपड़ों में लपटी रहेगी काफिर की रूह बदबूदार कपड़ों में लपटी रहेगी और आसमान से उठा के जमीन पर फेंक दी जाएगी तो कुल्लो मौत हर नफ्स को मौत का मजा चखना है तुम मई रई फिर तुम मेरी ही तरफ लौटाए जाओगे तो जिंदगी के बाद मौत है जिंदगी गुजारो तो इन दोनों आयतों में जो मसाइल बताए गए पहला मसला कि इबादत के लिए अल्लाह की जमीन बड़ी कुशादा है कोई यह न कहे कि मुझे फुर्सत नहीं मिलती नमाज की मेरे पास इंतजाम नहीं है अल्लाह की जमीन कुशादा है कोई आपको तंग करे टॉर्चर करे आप उस नौकरी से किनारे हो जाइए आपके दीन का मजाक उड़ाइए अल्लाह के लिए अगर कोई आदमी कोई चीज़ छोड़ देता है तो अल्लाह उसे बेहतर चीज़ अता करता है बहुत सारे भाई कहेंगे मैं फला जगह काम करता हूँ मेरे साथी मेरा मज़ाक उड़ाते हैं दीन इस्लाम का कुरान का नमाज़ों का उड़ाते हैं मैं क्या करूँ उसका जवाब यही है कि अगर आपके पास हमत है तो आप दावत दीजिए सब्र तमल से काम लीजिए नहीं बर्दाश्त कर सकते नहीं ताकत है तो आप दूसरी मुलाजमत तलाश कीजिए और उसे तर्क कर दीजिए मिलने के बाद आप ताकि ऐसा ना हो कि बर्दाश्त करते करते आप खुद उन्हें में मिल जाएं मौत आपके सामने आपके इंतज़ार में है अल्लाह की ज़मीन बड़ी कुशादा है ये दूसरा मसला हुआ तीसरा मसला अल्लाह की हर मखलूक़ को मरना है कुछ मखलूक़ ऐसी हैं जो मरने के लिए पैदा ही नहीं किया अल्लाह ने बाकी रहने के लिए पैदा किया जैसे हैों को अल्लाह ने पैदा किया वो हमेशा रहेंगी लेकिन अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया और वही दायम जिंदगी देगा जमीन की जितनी चीजें हैं कुल्लम फान वजह रबुल कराम जमीन की हर चीज फना होगी रब कायनात बाकी रहेगा उसका चेहरा उसकी जात बाकी रहेगी है या जन्नत की नहमत है वो हमेशा रहेंगी उनके लिए फना नहीं है क्योंकि जो दुनिया को फना करेगा वही उनको दायमी जिंदगी अता करता है चौथा मसला के मरने के बाद सबको अपने रब की तरफ लौट कर जाना है तुम मैदी तुम अपने रब के पास लौट कर जाओगे और पांचवा मसला कि इंसान जब यह अकीदा रखे कि मरने के बाद रब के पास पेश होना है तो फिर अपने रोजाना के अमाल का हिसाब करे और तोबार इस्तवार करे कि तुम हिसाब लिए जाने से पहले खुद अपना हिसाब किताब करते रहो अपना देखते रहो कि किस दर्जे का तुम्हारा अमल है सोते वक्त बिस्तर पर जाओ दिन भर के अमाल का हिसाब किया करो और तुम्हारे अमाल डाम अमल में मिजान अमल में वजन किए जाए उससे पहले तुम खुद अपने अमाल को वजन कर लो देख लो कि किस दर्जे के तुम्हारे अमाल हैं अब जहाज का सफर करते हैं आप देखिए हिंदुस्तान में लोकल फ्लाइट में पंद्रह किलो वजन की छूट है कितना अहतमाम करते हैं कि ज्यादा ना होने पाए लगेज देना पड़ेगा तो आदमी जहाज में जाने से पहले अपने सामान को कम रखता है या वजन कर लेता है कि लगेज से ज्यादा ना हो एयर इंडिया वगैरह में पच्चीस किलो की सहूलत है इंटरनेशनल फ्लाइटों में कहीं तीस कहीं पैंतीस कहीं चालीस तो आदमी जब सफर करता है तो अपना लगेज और सामान वजन कर लेता है कि ज्यादा ना होने पाए क्यों वो उसके लिए बोझ बन जाएगा यही मामला जिंदगी का है जिंदगी का जो अमल है आप खुद उसका वजन करते रहिए कि आपकी नेकियां ज्यादा हो रही हैं या बुराइयां बुराइयों को ज्यादा मत होने दीजिए नेकियों का वजन बढ़ाइए और हिसाब किताब के आने से पहले अपना हिसाब किताब खुद करते रहिए एक तालब इलिम खुद एग्जाम का रिजल्ट आने से पहले खुद जोड़ लेता है कि मैं इतना जवाब सही लिखता हूं मुझे इंशाल्लाह इतना नंबर मिल जाएगा उसे इत्मीनान रहता है ये मोमिन की मिसाल है कि ईमान वाला उस दिन के आने से पहले अपने आमाल की اصلاح और उसकी तरतीब बनाता है और उसका प्यारा इलाज कुल नफ्सिंदायखतुल मौत थम्मा इलैना तुरजउन मौत को याद करना रब के सामने पेशी के बारे में सोचते रहना अल्लाह हमें इलमाफी और अमल साले की तोफीक बख्शे अमवात के सिलसिले को इबरत का सबब बनाए आमी वसल नबीन मोहम्मद वह अजमैन अज़म़ईन, ने कर आपकी मोहब्बत का नवाजिस का शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े रहिए इंशाअल्लाह। अगले एपिसोड में हम सूर कबूत की आयत नंबर अट्ठावन की तफसर के साथ आपकी खदमत में हाजिर होंगे जब तक के लिए इजाजत दीजिए जजाकमल खैर वालेकुम समाज से बुराई मिटाने में आई प्लस टीवी की मदद करें अपना ताउन ऑनलाइन ट्रांसफर करें ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें